नमस्कार, नेहा फैमिली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अरबी की सूखी चटपटी सब्जी। इस तरह से सब्जी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने अरबी को छील करके लिया है, अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इसे इस प्रकार से कट कर लेंगे। सारी अरबी को हम इसी प्रकार से कट कर लेंगे। ये सारी अरबी को हमने काट लिया है। ये हमने दो प्याज कट करके लिए हैं, ये दो टमाटर लिए हैं, ये दो हरी मिर्ची और ये 7-8 लहसुन की कलियां और एक ही नींबू लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये गैस पे हमने कढ़ाई रखी है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल को गर्म होने देंगे। आप किसी भी ऑयल में सब्जी बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में या मस्टर्ड ऑयल में। तो अब हम इसके अंदर एक चम्मच जीरा डाल दिया है। लहसुन की कलियां डाल दी हैं, प्याज डाल दिए हैं। प्याज को हम थोड़ा भून लेंगे। ये प्याज को हमने हल्का हल्का भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। ये हल्दी को प्याज के साथ थोड़ा पका लेंगे। अब हम इसमें अरबी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार से अरबी को थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। ये हमने हरी मिर्च डाल दी हैं, चला लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच नमक। हल्दी हमने पहले ही डाल दी है। मिक्स कर लेंगे मसालों को अरबी के साथ। अरबी के साथ मसालों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, चला लेंगे। अब हम इसे ढक करके पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये बीच में हम चेक कर लेते हैं। ये दोबारा से हम ढक करके और पका लेंगे।
ये चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अरवी बन करके तैयार है। अब हम इसमें नींबू डाल देंगे। नींबू डालने से अरवी बहुत ही टेस्टी बनती है। हम एक नींबू का रस डाल दिया है हमने इसमें। अगर आप टमाटर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नींबू डालना तो अरवी के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें हाफ चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, मिला लेंगे। अरवी बन करके तैयार है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। एकदम से बढ़िया अरवी बन करके तैयार हुई है चटपटी। इस प्रकार से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।